वह जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे युवा मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी किया तो उसे नजरबंद कर दिया गया। कई महीनों बाद उसे आजाद किया गया। मोदी सरकार और बीजेपी का वह कट्टर विरोधी है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का वह खुलकर तारीफ करता है। उसका परिवार जम्मू कश्मीर का सबसे ताकतवर परिवार है। उसके पिता और दादा दोनों राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसने सिख लड़की से जब शादी की तो कश्मीरी पंडित नाराज हो गए थे। हालांकि अब पत्नी से उसका तलाक हो चुका है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट उसके जीजा हैं। एक बार वह लाहौर एयरपोर्ट पर फंस गया था और उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी हत्या न कर दी जाए। चलिए आज आपको जम्मू कश्मीर के 11वें मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। तारीख 4 अगस्त 2019, उमर अब्दुल्ला श्रीनगर स्थित अपने घर में थे। शाम को उनके घर की लाइट काट दी जाती है, उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जब तक उमर अब्दुल्ला कुछ समझ पाते, उनकी सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया था। उमर अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और उनकी बहन को भी नजरबंद कर दिया गया। अगले दिन यानी कि 5 अगस्त को जब उमर अब्दुल्ला ने टीवी खोला तो देखा कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान कर रहे थे। अब तक घाटी में अनुच्छेद 370 के नाम पर सियासी रोटियां सेकने वाले नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उमर अब्दुल्ला भी अनुच्छेद 370 के प्रबल समर्थक हैं। यही वजह थी कि सरकार ने घाटी के नेताओं को नजरबंद कर दिया था। उमर अब्दुल्ला को घर में नजरबंद करने के बाद गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया, जहां पहले से ही पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया था। हालांकि सियासी तौर पर उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। गेस्ट हाउस में दोनों को अलग अलग फ्लोर पर रखा गया था। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों को एक दूसरे से बात न करने की स्पष्ट हिदायत दे रखी थी। दोनों टहलने के लिए भी अलग अलग समय पर निकला करते। एक इंटरव्यू के दौरान नजरबंद होने के दौरान महबूबा मुफ्ती से अपने रिश्ते पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा था, मैं और महबूबा मुफ्ती राजनीतिक तौर पर हमेशा विरोधी रहे हैं। हमें एक ही गेस्ट हाउस में नजरबंद किया गया, हालांकि उनका फ्लोर अलग था, लेकिन मुझे डर था कि नजरबंदी के दौरान वो मुझे जहर दे देगी। उमर अब्दुल्ला का दावा है कि नजरबंदी के दौरान उनके पास मोबाइल नहीं था और ना ही उन्हें अखबार पढ़ने दिया जाता था। कई सप्ताह बाद उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। अब्दुल्ला का दावा है कि जब वह बाहर निकलते थे तो उनके अलमारी को चेक किया जाता था। उन दिनों को याद करते हुए अब्दुल्ला ने कहा था कि पहले मुझे लगा कि 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा, लेकिन रिलीज नहीं किया गया। इसके बाद लगा कि ईद पर रिहा किया जाएगा, लेकिन तब भी रिहा नहीं किया गया। ईद के दौरान उन्होंने घर पर ही नमाज अदा की। उमर अब्दुल्ला को सियासत विरासत में मिली। उनके दादा शेख अब्दुल्ला आजादी के समय कश्मीर के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके संबंध की खूब चर्चा रही। एक समय दोनों अच्छे दोस्त थे। नेहरू के कहने पर शेख अब्दुल्ला ने मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों में रैलियों को संबोधित किया था। दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता और समाजवाद सहित कई मुद्दों पर एकमत थे। अब्दुल्ला शुरू से ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति से प्रभावित थे। वहीं नेहरू उनकी राष्ट्रीय सोच की तारीफ करते थे। धीरे धीरे दोनों करीबी दोस्त होते गए। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री बनाने में पंडित नेहरू ने अहम भूमिका निभाई थी। 15 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने मेहर चंद महाजन को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री घोषित किया। इसी बीच 11 नवंबर 1947 को नेहरू ने हरि सिंह को पत्र लिखकर शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर दी। नेहरू ने अपने पत्र में लिखा, कश्मीर में एक ही आदमी ऐसा है जो वहाँ की भलाई के लिए काम कर सकता है। जिस तरह से अब्दुल्ला ने संकट की घड़ी में अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो उनकी परिपक्वता का सबूत है। उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए बहुत मेहनत की है और कामयाब भी हुए। मुझे विश्वास है कि जब बड़े मसले सामने आएंगे तो वो उन्हें निपटाने में कामयाब होंगे। भारत सरकार की तरफ से लगातार दबाव के बाद 5 मार्च 1948 को हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। सदर रियासत बनने के बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन चुके थे। 1950 तक कश्मीर का मामला यूएन तक पहुंचा, तो यहीं से नेहरू और अब्दुल्ला के बीच मतभेद की खबरें सामने आने लगी। 29 सितंबर 1950 को शेख अब्दुल्ला अमेरिकी राजदूत
लॉय हेंडरसन से मिले और कहा कि कश्मीर को आज़ाद हो जाना चाहिए। पंडित नेहरू उससे खफा हो गए। आखिरकार भारत सरकार ने 1953 को अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को जेल में डलवाया तो कश्मीर की स्थिति बिगड़ गई। नेहरू समझ गए थे कि कश्मीर मसले को हल करने के लिए आवाम को बीच में रखना होगा और उन्होंने शेख अब्दुल्ला को रिहा करने का फैसला किया। आखिरकार अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया। तब तक अब्दुल्ला भी कश्मीर की आजादी के बजाय भारत के साथ रहने को तैयार हो गए थे। अब शेख अब्दुल्ला कश्मीर के रहनुमा के बजाय एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए थे। जेल से बाहर निकलते ही शेख अब्दुल्ला कश्मीर समाधान के लिए काम पर लग गए। 27 मई 1964 को जब शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान अधिकृत मुजफ्फराबाद में थे, तब उन्हें पंडित नेहरू की मौत का समाचार मिला था। बताया जाता है कि नेहरू के निधन की सूचना मिलते ही अब्दुल्ला फपक फपक कर रोने लगे। दादा शेख अब्दुल्ला के बारे में उमर अब्दुल्ला ने बताया था, जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मेरे दादा शेख अब्दुल्ला की सरकार को गिराकर उन्हें गिरफ्तार किया तो वो खूब रोए थे। वहीं जब पंडित नेहरू का निधन हुआ तब भी मेरे दादा खूब रोए थे। अपने दादा शेख अब्दुल्ला के बारे में उमर अब्दुल्ला ने बताया था कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो समय निकालकर हमारे साथ पिकनिक मनाया करते थे। इसके अलावा उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनके दादा ने कश्मीर के विकास में अहम योगदान दिया है। उन्होंने मेडिकल सेक्टर में खूब काम किया है। दादा शेख अब्दुल्ला के अलावा उमर के पिता भी घाटी के कद्दावर नेता हैं। शेख अब्दुल्ला के निधन के बाद 8 सितंबर 1982 को फारूक अब्दुल्ला पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं साल 2009 में उमर अब्दुल्ला दादा और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बने। 5 जनवरी 2009 को उमर अब्दुल्ला ने राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर के इतिहास में उमर अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनकी उम्र महज 39 साल थी। 2015 तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे। उमर अब्दुल्ला ने एक सिख लड़की से शादी रचाई थी। दोनों की प्रेम कहानी भी काफी दिलचस्प है। दोनों की मुलाकात ओबेरॉय होटल में हुई थी। एक दूसरे को देखते ही दोनों की आंखें चार हो गईं और फिर दोनों ने ही मजहब की दीवार को तोड़ते हुए शादी रचा ली। लेकिन उमर के शादी से कश्मीरी पंडित नाराज हो गए। हालांकि दोनों का रिश्ता 7 जन्म तो छोड़िए, 1 जन्म तक नहीं चला। पत्नी से उमर अब्दुल्ला का तलाक हो चुका है, अब वह अकेले रहते हैं। बात 90 के दौर की है। उन दिनों उमर अब्दुल्ला दिल्ली के ओबेरॉय होटल में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। पायल नाथ भी यहां काम करती थी। इस दौरान दोनों में मुलाकातें होती रहीं और मुलाकातों का यह दौर लगातार बढ़ता चला गया। पायल के पिता आर्मी में बड़े अधिकारी थे। उन दिनों पायल के पिता मेजर जनरल थे, जबकि उमर अब्दुल्ला के पिता जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पायल सिख परिवार से ताल्लुक रखती हैं और उमर अब्दुल्ला मुस्लिम परिवार से। आखिर में दोनों ने अपने प्यार को अंजाम देने का फैसला किया। 1 सितंबर 1994 को उमर और पायल ने मजहब की दीवार को तोड़ते हुए शादी कर ली। जब दोनों की शादी हुई उस समय घाटी में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले उमर पायल की शादी को किसी ने खुले तौर पर विरोध तो नहीं किया था, लेकिन कश्मीरी पंडित इस शादी से खुश नहीं थे। वहीं शादी के बाद उमर हर इवेंट में पत्नी पायल के साथ ही पहुंचते थे। शादी के बाद उमर अब्दुल्ला ने सियासत में कदम रखने का मन बनाया तो पत्नी पायल उनके साथ थी। 1996 में विधानसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला राजनीतिक मंचों पर नजर आने लगे। वहीं 1998 में जब अब्दुल्ला ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो चुनाव प्रचार के दौरान पत्नी पायल उनके साथ नजर आती थीं। चुनावी सभाओं में जाने की वजह से पायल पूरे कश्मीर में लोकप्रिय हो गईं। सिख परिवार से आने वाली पायल अब तक अब्दुल्ला परिवार में ढल चुकी थीं। इसी बीच चुनावी नतीजे आए तो उमर अब्दुल्ला सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। शादी के बाद दोनों के 2 बेटे हुए, जहीर और जमीर उनके बेटों का नाम है। अब्दुल्ला परिवार में इंटर रिलीजन मैरिज कोई नई बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला से पहले उनके पिता भी दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर चुके हैं, तो उमर की बहन की शादी भी अन्य धर्म में हुई है। 1960 में फारूक अब्दुल्ला ने मौली से शादी रचाई थी। ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाली मौली पेशे से नर्स थी। दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी। उन दिनों फारूक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। मौली और फारूक 4 बच्चों के पेरेंट हैं, सारा, साफिया, हिना और उमर अब्दुल्ला उनके बच्चे हैं। वहीं उमर की बहन सारा की शादी हिंदू धर्म में हुई है। सारा की शादी कांग्रेस नेता सचिन पायलट के साथ हुई है। दोनों की लव मैरिज हुई है। इसके अलावा फारूक के दूसरे दामाद भी ईसाई हैं। एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले उमर पायल के रिश्ते में वक्त के साथ खटास आने लगी और मामला तलाक तक जा पहुंचा।
2011 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद पायल अपने बेटों के साथ दिल्ली में रहती हैं। हालांकि तलाक के बाद गुजारे भत्ते को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी। कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को अपनी तलाकशुदा पत्नी पायल को 1.5 लाख रुपए देने का आदेश दिया था। साथ ही बेटों जमीर और जहीर की पढ़ाई के लिए 60,000 रुपए देने का आदेश दिया था। 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड में जन्मे उमर अब्दुल्ला ने हिमाचल प्रदेश के सनावर में स्थित प्रतिष्ठित लॉरेंस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। उमर बचपन में काफी शरारती थे। स्कूल के दिनों में वो खूब मारपीट किया करते थे। स्कूल के दिनों में सुखबीर बादल और पूजा बेदी उनके क्लासमेट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।